नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। आपको सीधे ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां के रण में अब इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जो चंदन नगर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और अपने कारनामों से हार जाएं तो फिर उसी ईवीएम को कोसते हैं, उसी को गाली देते हैं, वैसे गाली देते हैं जैसे राहुल गांधी इस समय दे रहे हैं। आपने देखा होगा ना, अमेठी की जनता ने उन्हें 4 बार उस पूरी खानदान को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, लेकिन उन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश की और अमेठी की उपेक्षा की। जब अमेठी की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया, भगा दिया वहां से हरा करके, तब वो गाली देते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, बंगाल की जनता को भी गाली देते हैं, और भारत के बाहर जाते हैं तो भारत की जनता को भी गाली देते हैं। यही स्थिति है इन सभी राजनीतिक दलों की। जो लोग आज ईवीएम पे अपना गुस्सा फोड़ रहे हैं, लेकिन अपने कारनामों को नहीं देखते कि जब इन्हें सत्ता मिली थी तब गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, देश की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया और भारत की आस्था को सम्मान देने के लिए भी कुछ नहीं किया। जब भारत की आस्थावान जनता, भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध जनता, विकास के लिए एक नए विजन के साथ कार्य करने वाली जनता जब अंगड़ाई लेती है और उन्हें सबक सिखाती है, तब ये ईवीएम मशीन पर अपना गुस्सा फोड़ना शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, उनकी प्रवृत्ति है, उनकी प्रवृत्ति है, उनको जो करना था वो कर चुके, अब आपको जो करना है उसके लिए आह्वान करने के लिए ही तो हम लोग आपके बीच आए हैं। मुश्किल से 28 दिन बचे हैं, इन 28 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बांग्ला की सपने को साकार करने का उदय बंगाल की धरती पर होने जा रहा है। मात्र 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने 40 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया है, 6 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की का कवर दिया है, 2 करोड़ 42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया है, 6,000 रुपए सालाना हर किसान को उपलब्ध हो रहा है, 87 लाख वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय, 1 करोड़ 57 लाख गरीबों को, गरीब परिवारों को रसोई गैस के मुफ्त में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। आज वहां पर हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, आईएम बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला बन रही है, लेकिन बंगाल के अंदर दीदी कहती है कि यहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, यहां एयरपोर्ट भी नहीं चाहिए, यहां किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं देना चाहिए। दीदी, यहां पर गरीबों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी नहीं देती है, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं देने देती है, विकास का कोई कार्य नहीं होने देना चाहती है। इनका विकास, दीदी का विकास तो केवल भतीजे के विकास तक सीमित हो गया है, उससे ऊपर नहीं सोचे, उससे आगे नहीं जाना चाहते हैं। उनकी सहानुभूति यहां के नौजवानों के साथ नहीं है, किसानों के साथ नहीं है। 10 वर्ष में एक भी उद्योग बंगाल के अंदर नहीं लगा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 4 वर्ष में 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, पेड़
जो निजी निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करवाया गया उसमें नौकरी दी और लाखों नौजवानों को अन्य रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। ये काम बंगाल के अंदर भी हो सकता था। बंगाल के नौजवानों में बुद्धिमत्ता है। बंगाल भारत की बौद्धिक संपदा का केंद्र बिंदु रहा है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला बंगाल, क्रांतिकारियों की फौज देने वाला बंगाल, आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला बंगाल आज हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार की चपेट में क्यों आया है? ये चुनाव इसके लिए हमें सोचने। तो बंगाल के चंदननगर में इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज और कल यानी कि शनिवार और रविवार को तीसरे चरण के लिए उनकी 8 जनसभाएं प्रस्तावित हैं। कल भी उन्होंने 4 जनसभाओं को संबोधित किया था शनिवार के दिन, और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 4 जनसभाएं प्रस्तावित हैं पश्चिम बंगाल में। और लगातार वो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल पर हमलावर रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की जनता से लगातार, जहां भी वो जा रहे लगातार यही वायदा कर रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जो अराजकता की स्थिति पश्चिम बंगाल में है उसको बीजेपी खत्म करेगी। ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े किए जाते हैं उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। देखा होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो बात कही थी, कश्मीर एक समय में आतंकवाद का गढ़ बन गया था, लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। आज कांग्रेस ने आपको एक अधिकार से वंचित किया था कि अगर चंदननगर और कोलकाता का कोई नौजवान अगर अपने लिए संपत्ति खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर में सर्विस कर रहा है, वहां मकान और आवास बनाना चाहता था, इससे पहले नहीं बना सकता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको अधिकार दे दिया है कि आप जाकर के जम्मू कश्मीर के अंदर भी, बंगाल का नौजवान भी जाकर के जमीन और मकान बना सकता है, खरीद के रह सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अराजकता नहीं, आप विकास तेजी के साथ वहां दौड़ रहा है। लोकतंत्र वहां पर एक बार फिर से नए विश्वास के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, मैं लोकसभा चुनाव में भी आया था बंगाल के अंदर, और तब बंगाल के अंदर एक नारा गूंजता था। नौजवान तब कहते थे मुझसे, योगी जी क्या हुआ, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस नारे का क्या हुआ? सब लोग ये बहुत पूछते थे। देखिए, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भाजपा की सरकार है तो हम लोगों ने क्या किया, डबल इंजन की तरह गरीबों को और वहां के उत्तर प्रदेश और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर दोनों सरकारें मिलकर के गरीब कल्याण का काम कर रही हैं, विकास का कार्य कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी कर रही हैं और आस्था का भी सम्मान दे रही है। यहां पर सदियों से चल रही जगदात्री माता की उपासना और पूजा को टीएमसी के गुंडों ने रुकवाने का प्रयास किया था।